Hi everybody not everything needs to be perfect to still be wonderful today is 20th of august 2022 let us have a quick discussion of all these important topics this is telegram quiz everyday in morning we are having five such multiple choice questions this is geography geography ka pehla sawal hai which one of the following rivers is associated with sardar sarover project the answer is narmada which river is the Bhagada Nangal Dam built? The answer is Satlaj. Then Nagarjun Sagar lies on the river, on the bank, on the river Krishna River. Mahanadi River Pehe Hirakun Dam and Bhagirathi River Pehe Tehri Hydropower Complex. This is quiz number 110. Normal Ernest Borlo, Norman Borlo, who's regarded as the father of the Green Revolution, is from which country? From which country?

ग्रज ग्रज मीन वी कैन से अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ इलविल और रिसेंटमेंट ईर्षा योग का मतलब होता है जोड़ना टू पुट ब्रिंग टूगेदर सो एस टू फॉर्म अंड लॉन्गर फिलिप मीन्स होता है प्रोत्साहन समथिंग विच एक्ट एज और बूस्ट टू एक्टिविटी एनकरेज करना एनकरेजमेंट में हमेशा क्रिटिसिजम से ज्यादा पॉवर होती है स्प्लर्जिंग का मतलब होता है अधिक खर्च करना स्पेंड मनी फ्रीली और एक्स्ट्रा वेगेंड एपोक्रिफल का मतलब होता है शंका युक्त स्टोरी और स्टेटमेंट जो डाउटफुल है उसकी ऑथेंटिसिटी वो मेड अप है सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो दिस इज सी सेट सी सेट का ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ है वॉट डॉप्लाय ए चार हॉरिजॉन्टल चार वर्टिकल लाइंस है पैरल इक्वीडिस्टेंट टू वन अनादर ऑन अ बोर्ड है मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर कितने बनेंगे काउंट देन दिस इज भीम यूपीआई आज हम जानते हैं भीम यूपीआई बिकॉज अगेन दिस इज अ सक्सेस स्टोरी सक्सेस स्टोरी एक्सपैंडिंग फर्दर आउटसाइड इंडिया इंडिजिनसली डेवलप्ड यूपीआई अब यूके मार्केट में भी स्टार्ट हो जाएगा इसका फोरे क्यू आर कोड बेस्ड ट्रांजेक्शन अब यहाँ पे होंगे इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे नेपाल भूटान सिंगापुर यूएई मलेशिया एंड फ्रांस यहां पर भी यूपीआई एक्सेप्टेड है तो यूपीआई वर्ल्ड का बहुत बड़ा रियल टाइम पेमेंट सॉल्यूशन है जिसको बनाया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पीसीआई एक अम्ब्रेला एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होती है जितने भी इंडिया में रिटेल पेमेंट सिस्टम है ये सब के पीछे जो ब्रेन है जो वर्किंग है वो एन की है एंड ऑब्वियसली दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ आर एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन सो दिस दिज आर सर्टन फैक्ट्स अबाउट भीम यू भीम यू नाउ लुक एट दिस बर्ड ये बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बर्ड का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये जो एरिया दिख रहा है इंडिया का दिस एस्पेसली वेस्टर्न साइड यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है दैट इज वाई इसका कंजर्वेशन पे गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स डाल रही है तो परसीव्ड बिलीफ एंड रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन परटेनिंग टू एग लेइंग हैबिट ऑफ हैव परेंजडर रीसेंट वेस्टर्न राजस्थान एक्चुअली ये जो बर्ड्स होती है इनका जो बिहेवियर होता है वो चेंजिंग क्लाइमेट चेंजिंग सर्कमस्टानसेस के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है चेंज होता है बर्ड्स का बिहेवियर ऑल एनिमल्स का बिहेवियर तो बर्ड्स भी हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड भी है इसका हैबिटेट भी चेंज हो रहा है सो so, एक न्यू हैबिट है लेइंग अ क्लच ऑफ टू एग्स एट अ टाइम बिकॉज नंबर पॉपुलेशन भी इनका कम हो रहा है तो दिस इज बिहेवियरल चेंज जी आई बी स्पीशीज इंपॉर्टेंट है रिकवरी प्रोग्राम पे है बिकॉज ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आप बताओ क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसका हैबिटेट अब सी दिस इज वेस्टर्न पार्ट ये जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर सेमी एरिड कंडीशन होती है रेनफॉल इज लेस तो सेमी एरिड ग्रास लैंड हैं एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट राजस्थान में इसका हाइएस्ट पॉपुलेशन है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान नालिया गुजरात वरूरा महाराष्ट्र और बेल्लारी कर्नाटका सो दीज ऑल दीज ऑल आर द एरियाज स्टेट्स जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पॉपुलेशन मिलता है एंड पॉपुलेशन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना लुकेट दिस मैप ये जो कंट्री है ये है क्यूबा मैप हम स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन मैं आपको सारे स्टेट्स भी कराऊंगा और कुछ और बहुत अच्छे इनिशिएटिव है मैं विद इन अ वीक आपको वो बताता हूँ तो ये है क्यूबा दिस इज क्यूबा क्यूबा लुक एट दिस मैप ये है दिस अमेरिका दिस अमेरिका का फ्लोरिडा आ जाता है स्टेट और इसके बाद स्टेट ऑफ फ्लोरिडा एंड देन क्यूबा यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको है दिस इज कैरेबियन सी वेस्ट इंडीज जमाइका हाईती दिस इज अटलांटिक ओशियन और यहाँ पे आता है बहामास सो दिस इज क्यूबा दिस इज क्यूबा क्यूबा दिस इज क्यूबा क्यूबा क्यों इंपॉर्टेंट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अभी वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है ना इसमें हम पढ़ेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड दिस जो क्यूबा में सोशलिज्म सोशलिज्म टू अमेरिका दिस इज क्लोज टू अमेरिका अमेरिका मतलब कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड और उसके पास में है ये क्यूबा दैट इज सोशलिज्म सो क्यूबा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाकी यहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन भी बहुत होता है तो इंडियन ट्रेड विथ क्यूबा में बी सेटल्ड इन रूपीज और योरोज इन द फ्यूचर दिस इज समथिंग न्यू लार्जेस्ट सिंगल आइलैंड है दिस एंटायर आर्की पैलागो का वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड आर्लागो हम पढ़ते हैं ना जैसे जापान के आर्की है, है, तो पैलागो है सी बहमा होनोरास जमाइका मैक्सिको यूएसए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट साउथ में है अटलांटिकन गल्फ ऑफ मैक्सिको कैरेबियन सी है यहाँ पे तो दीज आर सर्टन फीचर्स जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ क्यूबा सो so, क्यूबा हमें पता होना चाहिए क्यूबा का लोकेशन क्यूबा की मैपिंग नाउ दिस इज भीतर कनिका मैनग्रोव मैनग्रोव सुंदरी बन यहाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट रम्ड वल्चर मिलता है और एंडेंजर्ड है ब्लैक बेलीड दिस टर्न स्पीशीज रिचनेस है बिकॉज जो वेटलैंड होती है या फिर मैनग्रूव्स भी हैं यहाँ इको में बहुत डाइवर्सिटी होती है तो दिस इज भीतर कनिका मैनग्रोव्स ये ओडिशा में है

मोडरेशन ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स फ्लड एंड क्रिएशन अभी जो हम मेंस में जैसे देख रहे हैं अब ये जैसे पॉइंट्स हैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डरी पॉइंट्स नहीं है सो मेंस इज मोर अबाउट जो चीज आपको आती है उसको आप कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो उसको आंसर कॉपी में कैसे लिख पा रहे हो सो दैट इज वाई ये आर्ट हमें सीखना है So this is and और इसमें रेंज होना चाहिए रेंज ये नहीं कि आपने एक पॉइंट पकड़ लिया और उसमें पूरे आपने फिल कर दिया नो यू शुड बी हैविंग रेंज लॉट्स ऑफ रेंज एंड लॉट्स ऑफ वेराइटी जैसे ये सारे पॉइंट देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट है फिर हमने हेडिंग सब हेडिंग बनाया वैल्यूज बेनिफिट अब ये थ्रेट है एक्वाकल्चर एक्सट्रीम इवेंट हाइड्रोलॉजिकल रिजीम पॉल्यूशन अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट ऑफ वेटलैंड रिसोर्सेज सो so, ये तर का की वैल्यूज बेनिफिट्स एंड दीज आर थ्रेट्स सो विल कम कंटिन्यू दिस आज की क्लास में भी हम मेन्स दोनों प्रिलिम्स एंड मेन्स में दोनों में देखेंगे फॉर एग्जाम्पल आज हम पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी सो विल स्टडी फूड प्रोसेसिंग एंड जो 8 8 पीएम मेंस क्लास होगा उसमें आज हम पढ़ेंगे इंटर वॉर पीरियड इंटर वॉर पीरियड वर्ल्ड वॉर लास्ट क्लास में देखा था नाउ दिस इज इंटर वॉर पीरियड और फिर वन मोर क्लास में वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड हिस्ट्री ओवर हो जाएगा कल कृष्ण जन्माष्टमी थी सो ये सारे फेस्टिवल्स हुए इस फेस्टिवल का नाम है दही हांडी दही हांडी जन्माष्टमी फेस्टिवल्स में यहाँ पर दिस सेलिब्रेशन हुआ टीम कृष्णा चाइना कॉल्स फॉर इंडिया टू वर्क इन सेम डायरेक्शन टू रीस्टोर टाइस अब चाइना में बड़ी डिफिकल्टी आ रही है चाइना में अभी बात यह भी चल रहा है कि जैसे लेहमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था ना 2007-8 में उससे भी बड़े स्केल का यहाँ चाइना में स्लो डाउन आने वाला है चाइना में डिफिकल्टीज आ रही है इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ रही है सो दैट इज वाई चाइना इकोनॉमिक फ्रंट पे इकोनॉमिक फ्रंट पे खुद को सेफ गार्ड करना चाहेगा और इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई भी कंट्री अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहती है तो वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती वी हैव गॉट अज मार्केट ह्यूज मार्केट सो चाइना कॉल्स फॉर इंडिया टू वर्क इन सेम डायरेक्शन टू टाइज चाइना के साथ दूसरी प्रॉब्लम अभी है चाइना में इलेक्शन होने वाले हैं और मिस्टर शी जिनपिंग यहाँ पे थर्ड टर्म का ट्राई करेंगे थर्ड टर्म का ट्राई करेंगे। एंड मिस्टर शी जिनपिंग डॉक्टर जो है वो है मिलिट्री माइट और जो ताइवान इशू है ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है चाइना के लिए भी मेन लैंड चाइना के लिए भी सो दैट इज बाई यहाँ पे चाइना मिलिट्री वाइज थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव भी नज़र आया है तो मिस्टर जयशंकर हेट सेट द रिलेशन वर इन अ डिफिकल्ट फेज और ऑब्वियसली जब बॉर्डर इशू में चाइना की इरेगुलर एक्टिविटीज होती है चाइना स्टेटस को एंटी यूनिलेटरली चेंज करना चाहता है गलवान क्राइसिस होता है देन ऑब्वियसली जो रिलेशन है वो नॉर्मल नहीं है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेज में है देन अभी जैसे जो यूएन एन डेजिग्नेट टेररिज्म की भी बात थी तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेररिस्ट को सेफ करने की कोशिश की चाइना में सो दिस इज अगेन दिस इज अगेन एन इशू अब चाइना यहाँ पे इंडिया को बोलता है कि डेवलपमेंट जरूरी होगा देर इज नो डाउट अबाउट दैट कि दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया एंड इंडिया एंड चाइना दोनों बहुत सुप्रीम यहाँ पर रोल प्ले करने वाले हैं एंड दीज टू कंट्रीज आर गोइंग टू बी लाइक बहुत स्ट्रांग रीजनल पावर ये बन सकते हैं बट द पॉइंट इज यहाँ पर जो चाइना का बॉर्डर इशू बॉर्डर कंडक्ट होता है वो एक डाउट क्रिएट करता है और क्रेडिबिलिटी चाइना यहाँ लॉस करता है चाइना एंड इंडिया टू एशियन सिविलाइजेशन टू इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड टू बिग नेबर्स वी हैव फार मोर कॉमन इंटरेस्ट देन डिफरेंसेस। द विजडम एंड कैपेबिलिटी ऑफ टू रीन ईच अदर बेटर देन वी आर ईच अदर डाउन दीज आर वेरी गुड वर्क वेरी गुड वर्ड्स बट चाइना अगेन वर्ड एंड जो एक्शन है उसमें डिफरेंस है तो चाइना के लिए अभी हम जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेज है हम भी इसी लाइन ऑफ एक्शन को देखेंगे सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू देन दिस इज सेकेंड पेज देन दिस इज सेकेंड पेज एंड दिस इज थर्ड पेज आज सैटरडे तो एफ ए क्यू दूसरे सेक्शन भी आज नहीं आएंगे फोर सेलिब्रेटिंग कृष्णा सेलिब्रेटिंग कृष्णा दो डिवोटिज है श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल मथुरा में सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा देन दिस इज पेज नंबर सिक्स दिस इज एरियल व्यू ये क्या है स्काई वॉक है बेंगलुरु एयरपोर्ट में प्रोग्रेस बेंगलुरु एयरपोर्ट ट्रैफिक इज नोटोरियस सो दिस इज पेज नंबर सिक्स पेज नंबर एट में एडिटोरियल है पॉलिटिकल है सेकेंड है अबाउट ओवर रीच ओवर रीच प्राइमरलीक्स अबाउट जैसे जीएसटी लॉज है जीएसटी लॉज में अगर जीएसटी फाइल करने में डिफिकल्टी आ गई या सर्टेन जो डिस्क्रिप्टेंसी हो गई बिकॉज लॉज आर वेरी कॉम्प्लीकेटेड एट वन मोमेंट ऑफ टाइम और नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग करेक्ट फाइल करना इसमें डिफिकल्टी आ सकती है बट अगर किसी से एरर हुआ और वो बोनाफाइड एरर है जीएसटी फाइल करने पर तो क्या वहाँ पर से अरेस्ट पॉसिबल होगा जेल पॉसिबल होगा या फिर ऐसे टाइप के सीवियर पनिशमेंट्स पॉसिबल होंगे इस बात पे अगर पॉसिबिलिटी देते हैं तो जीएसटी एक काइंड ऑफ ड्रेकोनियन भी बन जाता है तो यहाँ पे ये क्लियर किया गया है कि जीएसटी में दिस अरेस्ट एंड ऑल नहीं होगा बोनाफाइड और मेलाफाइड जो एरर्स हुआ है उसमें प्रॉपर ड्यू समन uh, भेजा जाएगा ड्यू कॉम्यूनिक होगा और उसको सॉल्व किया जाएगा बट से जस्ट लाइक दैट क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा एनफोर्समेंट प्रोसेस जो है टैक्स इवेशन का इन बोथ कस्टम्स एज वेल गुड्स एंड सर्विस टैक्स मैटर पे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने सी ने ये क्लैरिफाई किया है मॉनिटरी थ्रेशोल्ड फॉर इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशन एंड अरेस्ट ड्यूरिंग द कस्टम्स एक्ट तो एक पर्टिकुलर थ्रेश के ऊपर का वॉल्यूम है मनी है देन ओनली सीबीआईसी यहां पे अरेस्ट कर सकता है या प्रोसिक्यूट कर सकता है नॉट ऑल मैटर्स सेपरेटली द बोर्ड लेट डाउन एलाबोरेट गाइडलाइन फॉर जीएसटी ऑफिशियल्स कि इनकी पावर टू अरेस्ट क्या होगी किस डिग्री तक होगी समन कब इश्यू कर सकते हैं लाइक दैट सच नॉर्म्स जो है इससे क्या होता है जीएसटी ने बहुत सारे पुराने लॉज को सब्ज्यूम कर लिया था वो सारे लॉज अब जीएसटी के अंदर आ गए थे तो इससे क्या हुआ इससे ये हुआ कि जो उन लॉज के रिलेटेड प्रोविजंस थे वो भी इनडायरेक्टली जीएसटी के अंदर कंसिडर कर लिए जाने लग गए सो इसपे क्लैरिफिकेशन जरूरी था कि लेगेसी लॉज गवर्निंग टैक्सेस सच एज सेंट्रल एक्साइज आर नाउ सब्ज्यूम्ड इन टू तो सीबीआईसी ने यहाँ पे एक फ्रेश गाइडलाइन इश्यू किया है तो टैक्स इवेजन को ऐसा नहीं है लीनियंसी होना है बट द पॉइंट इज एक थ्रेश होना चाहिए उस थ्रेश के बाद ही यहाँ पर दिस जो जीएसटी ऑफिशियल्स हैं, वो अपना समन या अरेस्ट कर पाएंगे तो दिस अगेन इज रिक्वायर्ड बिकॉज एक वर्ड होता है टैक्स टेररिज्म टैक्स टेररिज्म विच इज अगेन नॉट गुड फॉर अ हेल्दी इकोनॉमी हेल्दी इकोनॉमी एप्रीहेंशन अनसर्टेनिटी अनक्लियरिटी जो है दिस इज अगेन नॉट गुड फॉर अ हेल्दी इकोनॉमी एक वर्ड होता है टैक्स बॉयंसी टैक्स बॉयंसी वॉट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स बॉयंसी सो द आइडिया इज यहाँ ये कॉम्युनिटी के थ्रू जी में बताया गया है कि सर्टेन अभी प्रोविजन फॉलो किए जाएंगे बाकी जीएसटी काउंसिल का वर्क बहुत डिफिकल्ट है आगे टैक्स रेट है मल्टीपल टैक्स स्लैब्स है उसको इजी करना है जीएसटी अभी भी इवॉल्व हो रहा है दिस इज अ रीसेंट टैक्स पाँच साल ही हुआ है इसमें और डिटेल्स अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसिस चेंजेस लाए जा रहे हैं टैक्स एंड ऑफिशियल्स कैन ऑलवेज डिफर ऑन वॉट द फाइन प्रिंट मीन्स ओवरसाइट और मिस्टेक्स मे क्रॉप अप इन फाइलिंग दैट मिस्टेक्स पॉसिबल है अगर बोनाफाइड एरर हो गया टैक्स फाइल करने पर तो उसको मैलाफाइड नहीं माना जाएगा डिस्टिंग दीज फ्रॉम जेन्यनलीवेज इम्प्लॉयज इम्प्लॉयज ऑफ अ फ्यू टैक्स पेयर्स और वेल रीजन प्रोसेस टू प्रोसिक्यूट दोज एयर बाय डिज़ाइन तो एक डिफरेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा अदरवाइज अनकन्वीनियंस हो सकता है इनकन्वीनियंस हो सकता है लॉट्स ऑफ पीपल को तो दिस इज गुड कि यहाँ पर दिस सी बी आई सी ने ये कॉम्युनिट इशू करके क्लैरिफाई कर दिया देन द इनजस्टिस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म हमने देखा है पनिशमेंट जो होता है उसमें रिफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है रिफॉर्म जरूरी होता है जस्टिस ज़रूरी होता, होता है और एक डेटरेंस होना भी चाहिए रिफॉर्म्स जस्टिस एंड डेटरेंस ऑल टाइप ऑफ पनिशमेंट्स जो दिए जाते हैं वो इन तीन पिलर के बेसिस पर दिए जाते हैं रिवेंज कभी भी आइडिया नहीं होता है मीडिया ट्रायल भी आइडिया नहीं होता है द आइडिया इज लॉ लॉ तो लॉ जैसे जस्टिस जो होता है वो ब्लाइंड होता है ब्लाइंड का मतलब ये नहीं होता है कि वो जस्टिस करेक्ट नॉन करेक्ट नहीं पहचान पा रहे है ब्लाइंड का मतलब ये है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा कि इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ किसके खिलाफ जजमेंट देना है सो द इनजस्टिस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म जस्टिस में ये तीन चीज़ें सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट यहाँ पर एक जस्टिस दिस पनिशमेंट में जेल में पनिशमेंट में जस्टिस होना चाहिए देन सेकेंड पॉइंट इज यहाँ पर रिफॉर्म होना चाहिए एंड द थर्ड पॉइंट इज यहाँ पर एक डेटरेंस होना चाहिए कि ऐसा क्राइम करने से लोग डरे एंड द असमेट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर फ्री बीज अभी बड़ा अच्छा आर्टिकल टेक लिया है फ्री बीज अगेन ऐसा नहीं है कि फ्री बीज बैड है या फ्री बीज गुड है फ्री बीज इज इन बिटवीन दिस बैड एंड गुड बैड एंड गुड के बीच में कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती सो द आइडिया इज हमें फ्री बीज के इस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना है कि हमारी इकोनॉमी को लाप्स हो जाए और इस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना है कि वेलफेयर का कोई एंगल ही नहीं हो गवर्नेंस में वी हैव टू फाइंड अ मध्यम मार्ग फ्रीबीज अब जैसे जुडिशरी इस पे डिस्कस कर रही है कि फ्रीबीज की कैटेगरी में क्या क्या आएगा इसकी एक कॉमिटी भी बना है जिसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनियन स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस नीति रिजर्व बैंक ये स्टडी करेंगे सिस्टमेटिकली वॉट इज वॉट शुड बी सेट फ्री बी फ्री बी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कोट सीम्स टू बी टू टू द लाइन ऑफ क्रिटिक्स स्टेट एक्सचे कई बार इेशनल फ्री बीज होती है उससे बहुत खर्चा होता है और स्टेट डेफिसिट आ जाता है इकोनॉमिक्स रॉन्ग होती है और उससे डेड ट्रैप आता है बाकी कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि फ्रीबीज सोसाइटी के लिए जरूरी है बिकॉज सोसाइटीज में सोसाइटी में इनइक्वालिटी है तो फ्री बी इस्ड ऑफ वेलफेयर मेजर इट इज रिक्वायर्ड तो द आइडिया इज इंटेलेक्ट वेल्थ कास्ट ये अक्यूमुलेट हो जाता है कुछ सेलेक्ट फ्यू में मार्जिनलाइज में तो द आइडिया इज सोशल वेलफेयर मेजर्स कभी भी इग्नोर नहीं होने चाहिए ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स क्या होती है ये फेमस रीगन टैक्स कट्स आए थे इसको रेगोनॉमिक्स भी बोलते हैं इसमें ये था ट्रिकल डाउन मतलब ऊपर अगर वेल्थ आती है सोसाइटी के स्टार्टा में तो वो ग्रेजुअली नीचे फिल्टर होके ट्रिकल होके नीचे भी पहुंच जाती है सारे स्टार्ट ऑफ सोसाइटी पे बट द आइडिया इज ये फिल्टरेशन ये ट्रिकल डाउन स्पीड ही नहीं होता है और इन एंड वेल्थ एक्मुलेट हो जाती है सेलेक्ट फ्यू हैंड्स में हाई इनकम अर्नर्स एंड कॉर्पोरेट्स में सो पुअर इन द फॉर्म ऑफ जॉब क्रिएशन हायर आउटपुट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए आइडियल केस में ट्रिकल डाउन ने कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी दिए बट जैसे इंडिया में बोलते हैं इनकवालिटी है इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो इस रेगोनॉमिक्स को क्रिटिसाइज भी किया था बाद में फर्दर इकोनॉमिक्स ने इंडिया नाइनटीन अब इकोनॉमिक्स प्रब्लम्स में हमने पढ़ा 1991 दिस इज रिफॉर्म्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन देन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया बायोटेक इंडिया बायोटेक पार्क ये सारी चीजें इंसेंटिवज आई टैक्स हॉलीडेज किया गया जैसे सेज होता है सेज सेज को हम फॉरन टेरिटोरी मानते हैं वेन इट कम्स टू टैक्सेशन तो टैक्स हॉलीडेज सब्सिडाइज पावर वेवर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ये सारी चीजें इंक्लूड हुआ और एज अ रिजल्ट ट्रिक डाउन इकोनॉमिक्स में कॉरपोरेट टैक्स में भी जैसे टैक्स थोड़ा कम हो गया है कॉरपोरेट टैक्स पहले जितना नहीं है बट द आइडिया इज द आइडिया इज की ये टैक्सेशन कॉर्पोरेट का कम किया तो कॉरपोरेट ये पास ऑन कर रहा है ट्रिकल डाउन तो तभी होगा रिपोर्ट बोलती है इनकम कैरी है। करते हैं वर्ल्ड इन इक्वालिटी क्लास इन कास्ट इन इंडिया टू रिसर्च पेपर भी बोलता है कि कास्ट बेस देखें क्लास बेस देखें तो वेजेस है इन इक्वालिटी है इनकम में इकोनमी में सोशल कंडीशंस में इनइक्वालिटी है तो द आइडिया इज इंडिया में इनक्वालिटी है तो क्या ये फ्रीबीज का कल्चर है इट्स बिकॉज ऑफ दैट ये जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है इसके फेलियोर का एक ये दिस दिस एग्जाम्पल है अब दूसरी चीज इंडिया में होती है डिफरेंशियल टैक्स बर्डन डिफरेंशियल टैक्स बर्डन मतलब हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव है आपकी जितनी सैलरी बढ़ती जाएगी तो आपको उतना ही टैक्स देना पड़ता है थर्टी परसेंट टैक्स देना पड़ता है टेन लाख ,00 के ऊपर तो दिस इज डिफरेंशियल ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है दिस इज़ गुड डायरेक्ट टैक्स जो होता है फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है इट इज़ गुड बट इंडिया में आप देखो इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत लगता है जैसे जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी का जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो एक कॉस्ट हो जाती है बहुत बड़ी फॉर एग्जाम्पल एक पुअर मैन है पुअर पर्सन है है ना अभी मिल्क से फिफ्टी रुपयी का आ रहा था वो मिल्क अब हो गया सिक्सटी सेवेंटी रुपये का हो गया रिच मैन भी सेवेंटी दे रहा है और पुअर मैन भी सेवेंटी दे रहा है बट रिच अपने लाखों की इनकम से सेवेंटी दे रहा है और पुअर अपना से हजार बारह सौ की इनकम से सेवेंटी दे रहा है तो कॉस्ट किसको ज्यादा पड़ा पुअर को ज्यादा पड़ा क्योंकि इसमें मिल्क में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे मिल्क को आप पेट्रोल से रिप्लेस कर दो पुअर है वो भी पेट्रोल महंगा पड़ेगा डिफिकल्टी होगी एंड रिच को इतना डिफिकल्टी नहीं होगी बिकॉज दिस हंड्रेड वन फिफ्टी विल बी अ स्मॉलर सेक्शन स्मॉलर सेक्शन सो टैक्स बर्डन इज़ ऑल्सो वन थिंग इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जैसे फ्यूल फूड राइस मिल्क सीरियल तो पुअर का जो तनख्वाह होता है वो सब इधर ही खर्च हो जाता है फाइनेंशियल बर्डन है प्लस इन्फ्लेशन आ गया इनक्वालिटी लोअर ग्रोथ तो दैट इज़ वाई इन सब के बेसिस पे अगर हम फ्री बीज कर दें जैसे बस फेयर फ्री कर दिया या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी में फ्री कर दिया तो इसको रॉन्ग इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि इसको वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहना चाहिए तमिलनाडु में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए स्कूल्स में हम उनको इनिशिएटिव्स दे रहे हैं अक्सर वुमेन को एल्डरली को पुअर को जैसे ई डब्ल्यू एस भी होता है और वी ट्राई टू प्रोवाइड वी ट्राई टू प्रोवाइड देम सर्टेन बेनिफिट्स सो उस केस में फ्रीबीज को हम रॉन्ग नहीं बोलेंगे उसको इनफैक्ट वेलफेयर मेजर्स बोलेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया में चलता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या होता है राज्य और केंद्र दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए ओके सो द आइडिया इज इसमें जैसे 280 आर्टिकल है 280 आर्टिकल में है इकोनॉमिक दिस शेयरिंग जो करना है इनकेसिंग कमेटी बट द आइडिया इज ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी होना चाहिए लॉज प्रॉपरली इंप्लीमेंट होना चाहिए और जो डिवॉल्यूशन ऑफ फंड है टू स्टेट्स टाइम पे करना जरूरी है बिकॉज स्टेट्स जो होते हैं ना वो हमेशा थोड़ा बैक एट डिसएडवांटेज में होता व्हेन इट व्हेन इट कम्स टू रेजिंग द फंड्स सेंटर के पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है फॉर एग्जांपल जीएसटी फोर्स मेजर जब हुआ था कंपनसेशन तो आइडिया ये था स्टेट बोरो नहीं करे सेंटर बोरो करे बिकॉज सेंटर के लिए बोरो करना ईजी होता है तो डीपीएसपी में भी लिखा है वेलफेयर मेजर्स तो फ्रीबीज को हम आउटराइटली राइटली रॉन्ग भी नहीं कर सकते है. अगेन मध्यम मार्ग अपनाना जरूरी होगा कि हम एक मिडिल पाथ अपनाएं ताकि वो जो फ्रीबीज या वेलफेयर है वो आउटराइटली पुअर इकोनॉमिक्स भी नहीं हो एट द सी एट द सेम टाइम वो प्योर कैपिटलिज्म भी नहीं हो और ऐसा नहीं हो कि वेलफेयर को हम इग्नोर कर दें दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड तो यूनियन ऑफ स्टेट हाईलाइटेड इन आर्टिकल वन इकोनॉमिक फ्रीडम स्टेट्स को भी प्रोवाइड कराना जरूरी है

इसी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए ऐसा कुछ आंसर नहीं है कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग अगेन केस बाय केस बेसिस पे सारे पहलुओं को जानना जरूरी होता है फ्रॉम डार्कनेस टू सोलर पावर लाइट दिस इज अबाउट सोलर पावर इंडिया में ह्यूज पोटेंशियल है सोलर लाइट को सन लाइट को हमें टैप करना एफिशियटली आना चाहिए देन दिस इज नेक्स्ट पेज एंड दिस इज इंडियन टीम डेलिब्रेटिंग एन ओशन डाइवर्सिटी पैक्ट अभी ये डेलिब्रेशन हो रहा है बहुत डिटेल में नहीं जाना है बात यह है अभी कि यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड नेशंस में एक तो अनक्लॉज है अनक्लॉज है एक्चुअली जैसे समुद्र है अब इंडिया का ये टोटल थोड़ा टेरिटोरियल एरिया हुआ इसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हुआ और सपोज यहाँ इंडियन ओशन कहीं दूर पर हमारी किसी कंपनी ने इंडियन ऑयल नहीं कुछ रिजर्व फाइंड किए अब उस रिजर्व का शेयरिंग कैसे होगा इस पे अक्सर डिस्प्यूट्स चालू हो जाते हैं जैसे अक्सर साउथ चाइना सी में चाइना भुली करने की कोशिश करता है तो देर शुड बी सम लॉज अग्रीमेंट्स ियल वाटर जो है यहाँ पर एक हाई सीज का मतलब क्या होता है बताइए और ओवर सीज का मतलब भी क्या होता है तो अभी एक असेंबली है दिस असेंबली रेजोल्यूशन हुआ था फाइनल सेट मोशन सिंस टू पे है 1982 का जो अनकलॉज है इसी के आगे इसको बढ़ाएंगे लेटे अब अनक्लॉज भी जो है ना ये एक बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी इसमें ये लिखा हुआ है जैसे ये इंडिया है तो इसके टेरिटोरियल वाटर पे जो राइट्स हैं वो किसके होंगे इसके बाद क्या या फॉरेन कंट्री अपना जहाज भेज सकती है या फिर सेफ पैसेज क्या होता है ये प्रोविजन है इसको मैं अभी कुछ ही दिनों में एक अलग से भी बता दूंगा अब देखो हाई सीज कॉम्प्राइजेस फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस मतलब ये किसी का क्लेम्ड एरिया नहीं है दिस इज हाई सीज एमओ e. की टीम भी यहाँ पे जाएगी और हम ये बात करेंगे कि यहाँ अगर कुछ डिस्कवरी होती है एक्सट्रैक्शन होता है या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे वर्क करेगी ये सारे प्रोविजन अभी डिस्कशन हो रहे हैं बिकॉज हाई सीज में हाइड्रेट्स हैं प्रीशियस मेटल्स हैं फॉसल है बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्जॉटिक माइक्रोब्सर सो मेनी थिंग्स जो सी है ये अनएक्सप्लोर्ड है सी और ओशियन नेक्स्ट बिग थिंग हो रहा है डीप ओशियन और इंडिया में भी ब्लू इकोनॉमी की बात चल रही है तो दिस इज गुड इसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्चुअली जो लॉज बनते हैं इंटरनेशनल लॉज उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है सो so देट हम इंडिया का जो स्टैंड है उसको भी यहाँ पे डिफेंड कर पाएशन डाइवर्सिटी एक्ट ए के टू नॉट थ्री राइफल्स अभी इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी अमेठी में ऐसी छह दशमलव एक लाख असोल्ट राइफल्स है पांच हजार करोड़ का है जॉइंट वेंचर है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कोरवा अमेठी यूपी और रशिया तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पहले था इसको हमने छोटे छोटी कंपनीज में डिफरेंट स्पेशलाइज्ड कंपनीज में डिवाइड कर दिया तो ये है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड एंड म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड एंड रशिया की है दिस दिस, दिस रॉसो एक्सपोर्ट और ये बनाएगी कलाशंकोव के ए के टू नॉट सिक्स राइफल ए के टू नॉट थ्री असल्ट राइफल तो दिस इज गुड इंडिजनाइजेशन होगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो दिस इज रियली गुड लोकलाइजेशन शॉर्टेज आप है चाइना पॉल मूर्ति मेकरम एन आईकन तो हार्ड एटवर्क अभी आइडल दिस कैरीज फॉरवर्ड इज लेगेक्टेड मेंलकाताज आइडल मेकिंग फ्रेटर्निटी दैट इज बेस्ड एट कुमारेज नंबर थर्टीन पुतिन एंड शी जिनपिंग अटेंड जी ट्वेंटी मीट गुड रिजोल्यूशन कंफ्यूजस मोर देन इट क्लेरिफाईज बात ये चल रही है कोविड-19 के टाइम से हमने इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रखा था अकोमोडेटिव थे अब इसको टाइटन करना पड़ रहा है बिकॉज़ लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो रही है और इससे आ रहा है इन्फ्लेशन सो आरबीआई किस तेजी से इन्फ्लेशन टारगेटिंग करे वो यहां पे डिस्कशन है वरीज ओवर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन ईजिंग रुपी स्लाइड हुआ 20 पैसा

कि हम आंसर राइटिंग तो कर ही रहे हैं साथ ही साथ टॉपिक भी प्रिपेयर कर रहे हैं करंट अफेयर्स के सारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे उन सब के आपके हैंड रिटन सेल्फ रिटन नोट्स तैयार होंगे दिस इज रियली रियली गुड ये एग्जाम टाइम पे आपको इसका ब्यूटी इसका इंपॉर्टेंस नजर आएगा आप कंसोलिडेट कर रहे हो बैंक कर रहे हो सारी चीजों को और आप लिखने की भी प्रैक्टिस कर रहे हो दिस इज अ विन विन चीज हर किसी को करना है आंसर राइटिंग ओके अब देखो सैमवर कितना अच्छे से यहाँ पे लिखा इंडिया का मैप भी बनाया वेरी गुड दिस इज सो गुड सो गुड वेरी नाइस सी अंडरलाइन भी हमें सेलेक्टिव करना है वेरी नाइस वन टू थ्री एथनिक फिशिंग सारे पॉइंट्स हमने देखे इकोनॉमी जोग्राफी हिस्ट्री सिक्योरिटी पॉलिटी एथिक्स ऐसे सारे पॉइंट्स देखने हमें फिर वे फॉरवर्ड हम यहाँ नंबरिंग भी कर सकते हैं वन टू थ्री फोर वेरी गुड विशाल वंस अगेन रियली गुड अब देखो ये स्टाइल कितना अच्छा है इस तरीके से जूम करके बताया यहाँ पे फैंटेस्टिक वेरी गुड वर्क देन दिस इज इंडिया श्रीलंका देन पीपल टू पीपल ह्यूमन रिसोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीपल टू पीपल चैलेंजेस बताया सी फैक्टर है यहाँ पे देन श्रीलंका वेरी नाइस इंडिया एंड श्रीलंका एंड देन वे फॉपर गुड वेरी गुड अब इसमें एक आध पेज एक्स्ट्रा रखना है कोई नई चीज डेवलपमेंट होती है उसको एड करना है नंदिनी दिस इज अगेन रियली गुड बैकग्राउंड बताया आपने बायोलिट्रल रिलेशन म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट देन चैलेंजेस ओके अब देखो आप डेली लिख रहे हो हमें कुछ ऐसा एस्ट्राडिनरी फीडबैक की भी जरूरत नहीं पड़ती हमें बस एक डायरेक्शन मिलना चाहिए कि ऐसे करना है बाकी एवरीबडी इज लाइक सो स्मार्ट वो आराम से सारा काम कर सकते हैं ऑल वी नीड इज अ डायरेक्शन इज अ लिटिल बिट डिसिप्लिन दैट्स ऑल आई ट्राई टू प्रोवाइड यू आप अपने तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डालो दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस कोई फंडामेंटल फ्लॉ भी नहीं है आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो फंडामेंटल फ्लॉ होगा देन आई विल डेफिनेटली पॉइंट आउट बट अननेसेसरी आप अपनी यूनिकनेस को लूज नहीं करो यू आर गुड प्रियंका दिस इज अगेन रियली नाइस मैप थोड़ा सा और बेटर हो सकता है बॉक्स में बनाइए है ना जिससे श्रीलंका प्रपोर्शनेट नहीं है बायोलेट्रल रिलेशवरेज दिस इज योर स्ट्रेंथ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव आप जीएस वन टू थ्री फोर में बहुत अच्छा करने वाले हो दे शुभम दिस इज अगेन गुड वेरी कॉम्प्रीहेंसिव क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी कल्चर कमर्शियल एक जैसे लेवल आएगा आपका जैसे शुभम इज रेगुलर एक लेवल आएगा कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा यू नो द पॉइंट्स ये सारे पॉइंट्स है तो उस टाइम पे आपकी एक्यूरेसी भी आएगी और साथ ही साथ स्पीड भी आएगा पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे ठाकुर दिस इज अगेन रियली गुड सी कितना अच्छे से मैप बनाया वेरी गुड पॉलिटिकल कमर्शियल जियो पॉलिटिकल एंड देन वे फॉरवर्ड वेरी नाइस अब इसमें एक पेज एक्स्ट्रा एड रखना है नई इंफॉर्मेशन जो आएगी वो यहाँ पे एड करते जाना है अब देखो सुंदर का कितना अच्छा मैप है हमने ऐसा मैप क्यों नहीं बनाया बाकी सब ने सी रामेश्वरम पालक पार्क स्ट्रीट देन दिस इज मन्नार आइलैंड वेरी गुड दिस इज रियली गुड तो दिस इज श्रीलंका जाफना यहाँ पे क्या इश्यूज हो गए थे बायोलिट्रल कल्चरल वेरी गुड तमिल इशूज देन फिशरीज ट्रॉलर्स वेरी नाइस nice. अब देखो यहाँ पे आपने अमरजीत ने बताया अब देखो स्ट्रैटेजी यहाँ पे लिख दिया दिस इज सो गुड इकोनॉमी लिखो सोशोलॉजी लिखो जोग्राफी लिखो एथिक्स पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री आई आर वेरी नाइस दिस इज रियली गुड हर हर एंगल से हमने यहाँ पे सोचा प्रिपेयर किया और उसको लिख भी दिया वेरी गुड हिंदी में भी कितना अच्छा आंसर लिखा है एक्सिलेंट वेरी गुड पालिका आप भी बहुत अच्छे आंसर्स अच्छा अच्छा लिख रहे हो सी पहले एक छोटा सा इंट्रो देन फिर कॉमर्स पे आए पहला पॉइंट देन कोऑपरेशन करना है बायोलिट्रल ट्रेड करना है ईटीसीए e करना है इन्वेस्टमेंट फिर डिफेंस हेडिंग तो ये बड़ी अच्छी स्टाइल होती है हेडिंग हेडिंग सब अब ये मैप देखो कितना अच्छा मैप है चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स वेरी गुड सो दिस इज रियली गुड अब अपने सिग्निफिकेंस भी बताया तो सी हमारा टॉपिक भी प्रिपेयर हो गया आंसर राइटिंग भी हो गई विन विन सिचुएशन तेंदर दिस इज अगेन गुड कितना अच्छा हैंडराइटिंग रियली गुड ऐसा सीखो आप सब बनाना दिस इज रियली गुड नीट एंड क्लीन वेरी नाइस सी दिस इज गुड एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं ऐसे ऐसे चीजों पे वेरी गुड पूजा दिस इज अगेन रियली गुड पॉलिटिकल बायोलिट्रल कमर्शल डिफेंस चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है आपका अप्रोच भी बहुत अच्छा है दिस इज रियली गुड थोड़ा डायग्राम्स फ्लो चार्ट भी और बनाए सुमन की कॉपी देखो कितना नीट एंड क्लीन वर्क होता है बॉक्स के अंदर बनाया फिर जूम किया है वेरी गुड यू आर डूइंग रियली रियली गुड मेंस आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए बहुत इजी रहेगा मेंस में वे फॉरवर्ड और जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही रिफाइनमेंट भी आएगा आपको उतना मेच्योरिटी भी आएगी जितनी नॉलेज बेस बढ़ेगा आपका मुजमिल दिस इज अगेन सो गुड मुजम्मिल बहुत रेगुलर हो गया है अच्छे से पढ़ रहा है वेरी गुड आई एम वेरी हैप्पी फिशरमैन कच्चा थी देन कोऑपरेशन इसमें नए पॉइंट्स भी लिखने हैं हमें स्टेप्स टेकन एंड वे फॉर्वर्ड एक एक्स्ट्रा पेज एड करना देन जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस हरजिंदर आप भी बहुत अच्छे आंसर लिख रहे हो सी कंसिस्टेंसी और पुरानी कॉपी और अभी की कॉपी देखो यू विल सी द डिफरेंस पॉलिटिकल वेरी गुड कल्चरल इंडियन सी द मैप दिस इज वंडरफुल दिस इज वंडरफुल मैप नेवल एक्सरसाइज वे फॉरवर्ड वेरी गुड आदिति दिस इज अगेन रियली गुड सी द मैप जोग्राफी आती थी वेरी गुड दिस इज गुड मैप है मतलब कॉपी अच्छी है एग्जाम्पल्स है मतलब बहुत अच्छी है अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग अच्छी है चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज वेरी नाइस रत्ना प्रिया वेरी गुड मैप थोड़ा सा और बेहतर बना है प्रपोर्शनेट पार्क स्ट्रेट वेरी गुड दिस इज पॉइंट्स चैलेंज ये जो पॉइंट्स है ना ये भी मार्जिन के अंदर लिखो मार्जिन के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए चैलेंजेस एंड वेरी गुड दिस इज गुड मल्टीलेटरल बिमस्टेक टू सी द रेंज रेंज बहुत अच्छी है ज शुभांगी आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो आपकी राइटिंग प्रेजेंटेशन एवरी थिंग इज रियली रियली गुड तो इंडिया श्रीलंका बायोलेट्रल टाइज चाइना तो एक क्विक शॉर्ट नोट बनाए एक्सिलेंट देन राम नरेश दिस इज अगेन गुड मैप थोड़ा सा बेहतर बनाए बिल्कुल कंजूसी नहीं करे मैप बनाने में है ना दिस इज बायोलेट्रल रिलेशन सिक्योरिटी ट्रेड क्योंकि प्रपोर्शन गलत नहीं होना चाहिए मैप छोटा भी बनाना है बट प्रपोर्शन करेक्ट रखना है वे फॉरवर्ड एंड कॉन्क्लूजन वेरी गुड आंसर राइटिंग कर रहा है वेरी रेगुलर आई एम सो हैप्पी इंडिया श्रीलंका अब देखो ये टॉपिक आपने पढ़ा इसके बारे में जाना अंडरस्टैंडिंग बढ़ी ना मैप देखा रिसोर्सेज देखे यही चीज होता है पढ़ना अब पंद्रह वीडियो देखो और एक आंसर लिखो एक आंसर इज ग्रेटर देन फिफ्टीन वीडियो सो यू हैव टू राइट और ये गलतियां नहीं करनी हमें कोशिश करो ऐसे यहाँ पे कट नहीं हो कट अगर हो भी जाए तो एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन से उसको कट करो ताकि अलग से वो दिखे नहीं कि यहाँ पे कुछ गलती है एक स्ट्रेट ऐसा एक लाइन डाल दो ऑल। वेरी गुड अब इसमें एक एक्स्ट्रा पेज और लगाइएगा और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आएगी उसको ऐड करना है अफसाना यू आर अगेन डूइंग रियली गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स आर सो गुड सी ट्रेड देन दिस विजुअल्स गुड देन इंडियन ऑयल डिफेंस एक्सरसाइज मैप इज गोड कल्चरल कितने सारे रेंज कवर किए अपॉर्चुनिटीज एंड वे फॉरवर्ड सो दीज आर योर सबमिशंस इसी तरीके से कॉन्टिन्यू करना है ऑल राइट सो दिस इज टूडेज न्यूज पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ